अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट पुरतुलेन और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रेजेंट्स राइज एंड शाइन मॉर्निंग जश्न आज़ादी स्पेशल विद पुरतुलेन और आज़ादी के रंग जश्न आज़ादी के संग देसी टीवी यूएसए के संग। जी आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो 14 अगस्त स्पेशल है, आज़ादी के स्पेशल। जी 14 अगस्त स्पेशल से रिलेटेड मैंने आप लोगों से ये बताना है कि आज के जो गेस्ट हैं वो किसी तारुक के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत की और फिर इस लेवल पे पहुंची हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के आज जश्न आज़ादी स्पेशल से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी। ये दिन हमने लाखों कुर्बानियों के साथ लिया और कायद अजम की मेहनत अंथक मेहनत से इस मकाम पर हम लोग पहुँचे हैं कि हम लोग जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको और आपके देसी टीवी यूएसए की तरफ से आप लोग को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो और आप लोगों उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी और हमारी देसी टीवी यूएसए की टीम की पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों आज हमारे साथ देसी टीवी यूएसए की तरफ से जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान हमारी अंथक मेहनत के बाद हमें मिला और कायदे आज़म की मेहनत को हमें जायका नहीं देना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे पाकिस्तान में नाम बने और ऐसा काम करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पाकिस्तान में कुछ ऐसा करें जिसे पाकिस्तान में हम कुछ करने के लिए ठान लें। जैसा कि हमारे अजीम लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप लोगों के सामने मौजूद हैं, जिन्होंने अंथक मेहनत से हमारे पाकिस्तान का नाम सोचा था और फिर उन्होंने एक लेवल पर पाकिस्तान को एक आज़ादी का एक हमें प्रोवाइड किया जिससे हम एक आज़ादी का एक नाम के तौर पर हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी के नाम पर हम लोग रह रहे हैं और सुकून से रह रहे हैं। सबसे पहला हमारा फर्ज हमारा बनता है कि हम पाकिस्तान के लिए बनता है कि हम एक अच्छा शहरी बनने का सबूत पेश करें और पूरे पाकिस्तान का नाम एक अजीम लीडर की तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह हम लोग जिन्होंने पूरी दुनिया के नाम एक रहती दुनिया तक कायम रहा है एक अजीम लीडर के तौर पर, इसी तरह एक अच्छे मुहिब वतन का होने का सबूत पेश करें जिसे हमें पता चले कि हाँ हम एक अजीम पाकिस्तान मुल्क के एक लीडर के मुल्क में हम रहते हैं और एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। जी आज जो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं हम उसमें काफ़ी आप लोग के फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं, एक फेवरेट गेस्ट आप लोग के हैं अजीम टिकटॉकर मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत से अपना नाम बनाया और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं देसी टीवी यूएसए की तरफ से पैनल की तरफ से हमारी एंकर पर्सन निमरा और साथ में हमारे साथ ज्वाइन किए हैं हमारे साथ तीशा जी, उनको हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने वतन से रिलेटेड एक अच्छी सी नज़म आप लोगों को एक डेडिकेट करना चाहूँगी। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झड़ियों का गिरता वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो गले वो मेवे वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनामा की रकियारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, पहाड़ों का मंजर बनों का समा है इनमें हजारों ही चश्मे रवा, कहाँ तक मैं बयां करूँ इनकी खूबियाँ है फिर दोस्त इसका चमन पर घुमा, ये बाग इरम है ये बाग अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जी इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। देसी टीवी यूएसए की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक। जी नाज़रीन, जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी उनका नाम बना है और अभी हमारे साथ जो गेस्ट ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं आपको देसी टीवी यूएसए को ज्वाइन की है हमारे साथ मौजूद हैं उसामा राजपूत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ देसी टीवी यूएसए में जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने? हम अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैम हम जो है जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं कि घर पे फ्लैग लगा के झंडे लगा के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ओके काफी ज्यादा तकरीबात पे जाकर। अच्छा अच्छा ओके वैसे ही मैं ये आपको डिफाइन करना चाहूँगी डिटेल में कि ये टिकटॉकर भी हैं काफ़ी फेमस हैं उसामा राजपूत। आज स्पेशली हमारे लिए काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि इनके बारे में हमें जानना है तो मैंने स्पेशली इनको आज इनवाइट किया जश्न आज़ादी स्पेशल आप लोगों के शो की स्पेशल इनविटेशन की वजह से। अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ जो ज्वाइन किया है हमारे साथ हमारी एंकर है एंकर पर्सन मौजूद है देसी टीवी यूएसए की निमरा मलिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। आप बताएं जश्न आज़ादी कैसा आप फील कर रही हैं और जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मैं देसी टीवी यूएसए का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच, और आपने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला। और इनके साथ नेक्स्ट ज्वाइन हमारे साथ किया है निशा, निशा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा फील कर रही हैं आप जश्न आज़ादी स्पेशल शो में इनवाइट एज अ गेस्ट आकर? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा फील कर रही हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करती हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। हम लोग घरों में झंडियाँ लगाते हैं बच्चों के साथ। अच्छा जी, बच्चों के साथ खेलना कूदना। अच्छा, उनके साथ ज़्यादातर सेलिब्रेशन करते हैं। गुड, आप बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करती हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। वैसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी शो में आके सेलिब्रेट कर रही हूँ। नॉर्मली हमारा घर पे गुजरता है, घर को डेकोरेट करना, झंडियाँ लगाना, उसके बाद मतलब मिलीनक में गाना मतलब सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, जाहिर है इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और बहुत ही हमारे लिए ये खुशी का दिन होता है। और मतलब फ्रेंड्स के साथ थोड़ी गैदरिंग कर ली, पार्टी कर ली, और मतलब ग्रीन एंड वाइट ड्रेस पहन लिया, वो फिर अच्छा लगता है। मतलब देखें हम पाकिस्तानी अच्छा है, हमें मतलब पाकिस्तान के फ्लैग की तरह ग्रीन और वाइट सेलिब्रेशन आपकी चलती है, सेलिब्रेट सेलिब्रेशन चलती है। तो फर्स्ट टाइम शो में आई हूँ, लेट्स सी मजा आने वाला है। गुड, अच्छा ये बताएं अपने लाइफ के बारे में, बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या करती हैं और आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया। मैंने बेसिकली तो मैस्कॉम की डिग्री के बाद मैंने न्यूज़ में ज्वाइन किया। फर्स्ट 2 मंथ 3 मंथ मैंने इंटर्नशिप पे काम किया और मतलब वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। सही मतलब बात है, आपको पता है कि घर में मैनेज करना सारा। तो उसके बाद फिर मुझे एक चैनल से ऑफर आई, वहाँ पे मैंने न्यूज़ पढ़ी और मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब मेरी उनको न्यूज़ लगी। उसके बाद आउटडोर शोज पे चैनल नेम भी आप काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उनको भी पता चले कि आपके इस चैनल में काफी फेमस है। मैंने स्टार्ट न्यूज़ आई 24/7 से किया था। उसके बाद मुझे देसी टीवी यूएसए वालों ने ऑफर की और इस चैनल पे आके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ पे मैं पंजाबी न्यूज कास्टर काम कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे और काफी व्यूअर्स भी और आपकी काफी रेटिंग अच्छी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप उसामा राजपूत से मैं पूछना चाहूंगी, आप बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं और वैसे आजकल जो है जश्न आज़ादी, पिछले जश्न आज़ादी जैसे SOPs की तरह से लोगों ने मनाई है, आप भी इसी तरह SOPs की के साथ ही मना रहे हैं जश्न आज़ादी? जी, SOPs फर्स्ट है क्योंकि डेफिनेटली वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ऐसा ही है। इस दफा मुहर्रम भी है साथ और 14 अगस्त भी है। सही बात है। इस दफा काफी कॉन्सर्ट्स हैं जो नहीं होंगे लेकिन नॉर्मली तरीके से मना लेंगे विदाउट सॉन्ग फ्लैग लेके। ऐसा ही है। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया, ये बताएं। मैं बेसिकली 9th में था जब फर्स्ट टिकटॉक ऐप न्यू आई थी 2018 में। अच्छा, ओके। सो मैं और थे मेरे फ्रेंड्स थे, हमने अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद फिर हमने वीडियोस बनाते रहे। फर्स्ट मंथ तो कोई रिस्पांस नहीं है लेकिन सेकंड मंथ जब हमने एक्टिंग वीडियोस बंद कर दी, स्लो मो बनाने लगे तो फिर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे, तो फिर हमने कॉन्टेंट अपना स्लो मो ही रखा। गुड। सो 2019 में हमारी आईडी सस्पेंड हो गई, जैसे की सबको पता है 8.5 लाख फॉलोअर्स पे जाके। सो अब जो है वो मेरी आईडी मैं ज्यादा यूज नहीं करता लेकिन है वो मेरी अपनी ही है जिसपे 155k फॉलोअर्स हैं। गुड, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं यूज करते, इसकी क्या खास रीजन है? मैम, जब पहले जिस तेजी से हम जा रहे थे ना, वो जो एकदम रुक जाना तो उससे काफी डिसहार्ट हुए हैं। लेकिन ये काफी फेमस हो गए एज अ टिकटॉकर और नाम भी बनाया आपने छोटी एज में। वैसे आप पर्सनली अपनी क्वालिफिकेशन बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से अभी कर रहे हैं और आगे क्या? रूट्स मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस में इस वक्त एडमिशन। ओके, गुड। पेपर्स दे के फ्री हुए हैं, अब इंशाल्लाह ताला थर्ड ईयर में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आगे क्या आपके हैं, मतलब क्या इरादा है कि आगे क्या करना है? मेरा फार्मेसिस्ट बनने का इरादा है। गुड, अच्छा। अब मैं निशा से बात करना चाहूंगी। निशा, अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट किया, आप अपने ये बताएं कि आप क्या क्या करती हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, पाकिस्तान में थी तो यहाँ पे FA करने के बाद फिर अबू धाबी चली गई थी वहाँ पे बुटीक में जॉब करने के लिए। ओके, तो जो वहाँ पे जॉब की, उसके बाद हम लोग की जॉब जो थी वो अजमान में शिफ्ट हो गई थी, वहाँ पे चले गए, फिर उसके बाद तो शादी हो गई थी। फिर उसके बाद डेफिनेटली वो मैरिड लाइफ होती है और आपकी काफी बिजी रूटीन होती है। जी, तो उसके साथ आपके काफी मुश्किल नहीं हुआ आपके साथ, आपके लिए कि आप उसके साथ
मैरिड लाइफ भी और साथ में काम भी करें, वर्किंग लाइफ तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है ना? नहीं मेरे साथ आपने कर नहीं, नहीं मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया अच्छा, मुझे अच्छा गुड। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब मुझे काम करने में भी माशाल्लाह बहुत आसानी हुई है। सही बात, मेरे उधर जाहिर सी बात है वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। आपकी फैमिली आपके साथ देती है, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा अब मैं अभी वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ आप लोग के फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं जो आप लोग के साथ जश्न आज़ादी स्पेशल शो हम लोग मनाने के लिए आए हुए हैं। जी अभी रैपिड फायर हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी पाकिस्तान आप बताएं, इसको आपने ना एक जुमला कंप्लीट करना है कि पाकिस्तान आपके लिए क्या, पाकिस्तान के बारे में आप कुछ डिफाइन करें। सबसे पहले तो मैं ये मतलब शुक्रिया अदा करूँगी अल्लाह ताला का कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, आई एम पाकिस्तानी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। गुड माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने इसको डिफाइन किया। जिंदगी माई पेरेंट्स इज़ माई लाइफ, मेरे माँ बाप ही मेरी ज़िंदगी हैं। प्यार मेरा पहला प्यार मेरे अबू जी हैं और दूसरा प्यार मेरी अम्मी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा, देखा कितना अच्छा इन्होंने आंसर किया, पहला माँ बाप ही होते हैं और पहला वैसे होते हैं जी। और ये भी पहला प्यार दोनों है, अम्मी अबू दोनों ऐसा ही है, दूसरा अभी तक मिला ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। एहसास को डिफाइन, एहसास मैं एहसास पे ये एक जुमला कहना चाहूंगी कि जो रिश्ते होते हैं ना वो एहसास के होते हैं, बाज़ों का तो खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। वाह बहुत अच्छा। जुनून, आपका जुनून क्या है, आप जुनून बताएं। मेरा जुनून मेरा करियर है। वाह मेहनत, मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गई हूँ। गुस्सा मुझे बहुत आता है। अच्छा और कब आता है आपको? गलत बात नहीं बर्दाश्त करती। हाँ ऐसा ही है, बस जहाँ पे किसी का हक मारा जा रहा हो, किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा हो, मतलब आप इतनी फेयर आप इतनी फेयर हैं आप एक्चुअली कि आप किसी का गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती। मेरे अलावा कोई और भी मुझको नहीं चाहता, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा। शोहरत बस माँ बाप की दुआओं से शोहरत हासिल हुई है, माशाल्लाह बस यही दुआ है कि आगे और मजीद बढ़े। होनी चाहिए। खूबसूरती अल्लाह ताला ने बस इतनी दी है काफी। अब मतलब आप इससे ज्यादा खूबसूरत होना ही नहीं चाहती, आप ये चाहती कि मैं इतनी हूं। वाह ये है देखा, अल्लाह ताला की बड़ी बनाई चीज पर आपको ना मतलब ऐसे होना चाहिए कि आप यकीन करें कि उसने सोच समझ कर बनाया होगा कि उस पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। ऐसा ही है। लगन को डिफाइन करें। लगन यही है कि अगर हम लगन से कोई भी काम करें तो हमें उसकी मंजिल जरूर हासिल होती है। सही। दोस्त मुखलिस दोस्त मिल जाए तो हम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। वाह बहुत अच्छा डिफाइन किया। इश्क के बारे में बताएं। इश्क अल्लाह ताला से करो, कभी धोखा नहीं मिलता। बहुत अच्छा। इंतहा पैशन, आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन मेरा करियर मेरी जॉब। वाओ माशाल्लाह बहुत अच्छा डिफाइन किया। खुशी वो है जो हम दूसरों को देते हैं और उसके बाद जो मैं हासिल होती है वो होती है हकीकी खुशी। बहुत अच्छा, क्योंकि जब हम किसी को कोई खुशी देते हैं ना तो जब फिर जो हमें खुशी महसूस होती है ना वो एक्चुअली में खुशी होती है। हाँ वो आपकी होती है। फ़ख्र आप बताएं, फ़ख्र आपका क्या है? फ़ख्र मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने अम्मी अबू के घर पैदा हुई हूँ। हाँ आप ये भी कह सकती थी मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। हाँ प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जैसा कोई नहीं। बहुत अच्छा। वाओ ख्वाब, हाँ देखना अच्छी बात है लेकिन जब वो पूरे हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। हाँ ऐसा ही है। कमजोरी वीकनेस आपकी क्या है? सच तो अभी कोई वीकनेस नहीं है, और लेकिन ये है कि बस पेरेंट्स के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। बहुत अच्छा, मतलब इस पे मुझे गुस्सा आ जाता है। हर चीज़ आपकी जो है वो आपके पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली माय फर्स्ट प्रायोरिटीज माय पेरेंट्स। ऐसा ही होना चाहिए। अधूरापन, आपकी लाइफ का अधूरापन क्या है? अधूरापन मेरा सच तो कोई भी नहीं है अभी तक, कोई नहीं है आपको कोई ऐसा जो आपके माइंड में आ रहा हो? अधूरापन शायद कुछ खाब है जो अधूरे रह गए। हाँ सही है। पैसा, जाहिर है पैसा ज़रूरत है आजकल हर इंसान को, पैसा हाँ, अच्छा लगता है। सही है। सकून किस चीज़ में आपको? सच्ची बताऊँ जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। नमाज में सुकून है। बहुत अच्छा, देखो ये इतना अच्छा डिफाइन करिए ना, जैसे मैं किसी
ऐसा लग रहा है कि एजुकेशनिस्ट के साथ बैठे हो, ये ऐसे आंसर कर रही हैं, डिफाइन कर रही हैं, माशाल्लाह। अच्छा, कामयाबी आप बताएं। कामयाबी जिस दिन मुझे मेरी मंजिल हासिल हो जाएगी उस दिन मैं इस दुनिया की सबसे कामयाब अच्छा, औरत हूं। लगन, आपके लिए लगन क्या है? लगन, लगन से कोई भी काम किया जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही है। माँ, माँ के बारे में बताएं, क्या डिफाइन करें? माँ के बारे में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, वो हस्ती है कि जिसके बारे में हम कुछ भी कहें तो वो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। और बाप? बाप वो है कि हमारे, मैं कहती हूँ हमारा बाप कुछ ना भी कमाता हो ना, वो खाली हमारे सर पे उसका साया हो तो हमारे लिए यही काफी होता है। सही है, और एक होना बेटी चाहिए। के सर पे उसका बाप का बाप साया, का होना साया बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब बाप का पैसा नहीं, बाप का साया ऐसा ही है। सही बात है, बहुत जरूरी है। जी उसामा, अब मैं आपसे पूछती हूँ रैपिड फायर क्वेश्चन। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में आप डिफाइन करें। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क। जिंदगी, जिंदगी 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 कोई है ही नहीं, क्या बताएं आप? जिंदगी आपकी जो अभी चल रही है आप उसके बारे में बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी है। मेरी जिंदगी बिजी चल रही है, और ऐसा है कि अगर कोई मैसेज भी करता है तो उसको ना टाइम पे रिप्लाई कर दें तो उसके 10-10 मैसेज आने लग जाता है कि आपको एटीट्यूड आ गया, ये डेफिनेटली ऐसा ही होता है। लेकिन लोगों की सोच अब हम क्या कह सकते हैं। ऐसा ही है। प्यार, प्यार को डिफाइन करें। प्यार 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 हमें अपने मुल्क और माँ बाप से करना चाहिए, उसके अलावा तो किसी से वफा करनी नहीं चाहिए। आजकल वैसे भी ऐसी हालात हैं कि आजकल कोई किसी को प्यार भी नहीं करता, ऐसी हालात हैं। लेकिन जिन्होंने करना होता है वो कर भी लेते हैं। वो हाँ ये भी है, करने वाले तो कर ही लेते हैं आपके। ऐसा ही है। मेहनत आप बताएं, मेहनत को डिफाइन करें। मेहनत, मेहनत जो है वो इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ इंसान अपनी लाइफ सुकून से जी सकता है। सही। गुस्सा, मेरा गुस्से से बोल दो तांगे। मतलब आपको इतना गुस्सा आता है? बस आ जाता है। अच्छा, दोस्त, दोस्त आप बताएं, दोस्त आपका कौन है? दोस्त, दोस्त कोई भी नहीं है फादर के अलावा। वेरी गुड। इश्क, 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 इश्क कोई भी नहीं। इश्क नहीं, इश्क को आप डिफाइन करें, इश्क क्या होता है? इश्क, इश्क एक मतलब के धोखा फ्रेम है। है, इश्क कैसे धोखा हो सकता है? धोखा ही है, मेरी बात सुने, जरूरी नहीं कि लव धोखा होता है। इश्क हमें लड़की से धोखा नहीं मिलता, कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी जगह पे धोखा दे जाते हैं। ऐसा ही है, आपको इतना प्यार होता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो धोखा दे जाते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा। अच्छा आप बताएं पैशन आपका क्या है? पैशन, पैशन मेरा कोई भी नहीं, जस्ट स्टडी है। अच्छा, गुड। इंतहा, खुशी, खुशी आपको किस चीज पे आप बताएं? खुशी इंसान को तभी मिलती है जब इंसान किसी की हेल्प करे, उसको कुछ देखे। हाँ, शोहरत, शोहरत, शोहरत अल्लाह पाक ने जितनी दी है बहुत है। हाँ, लेकिन मैं शोहरत से अभी आप हुआ। अभी आप चाहते हैं कि आप अभी आप और जाएं? मैं और जाने की कोई अच्छा बस इधर स्टॉप है मेरे। ये क्या, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं तो इससे ज्यादा और ज्यादा फेमस होती जाऊँ, वर्ल्ड वाइड होना चाहती हूँ। तो आप ये क्यों नहीं होना चाहते? फेमस होना आसान नहीं है। फेमस होना बहुत आसान है, फेमस होना आपके लिए इतना आसान होता है, मतलब ये कि आपको फैन फॉलोइंग मिल जाती है, फैन फॉलोइंग आपकी इजीली होती है। आप लोगों के मैसेजेस देखते हैं तो वहां से आप काफी डिसाइड होते हैं। अच्छा, मतलब हाँ वो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, डेफिनेटली इसी तरह ही है। माँ के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? माँ, माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जो इंसान को दुनिया पे कहीं भी धोखा नहीं देता, इंसान आंखें बंद करके ट्रस्ट करके उसके साथ चल सकते हैं। बाप, बाप के बारे में बताएं। बाप, बाप इंसान जी जी बताएं। अच्छा, बाप ऐसी चीज है कि अगर इंसान के साथ हो ना तो इंसान किसी भी जंग में नहीं हारता। ये बात है, बेटे के लिए बाप इतनी बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है। कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी अल्लाह पाक ने जितनी दी है बहुत है, लेकिन कुछ लोग जो है वो काफी कामयाबी से जलते भी है। इंसान एकदम ऊपर जा रहे होंगे तो काफी लोग आपसे जेलस भी होंगे। ऐसा ही है। खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती काफ़ी है, अल्लाह पाक ने दुनिया में काफ़ी खूबसूरत बनाई है दुनिया। बहुत सही बात है। कमजोरी, वीकनेस आपकी क्या है? मेरी वीकनेस कोई भी नहीं है अभी तो, कोई नहीं है। अच्छा, ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब मेरा है फार्मेसिस्ट बनने का। अच्छा, और आप ये बताएं कि सुकून किस चीज़ में आपको? सुकून, सुकून इंसान का अपने माँ बाप के साथ ही सुकून है। जनून, 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 जनून इंसान का वो होता है जो इंसान पाना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो जनून है इंसान जनून में वो काम भी कर जाता है, फर्स्ट टाइम जो नहीं करने वाले होते। हाँ ऐसा ही है, सही बात है। अच्छा, अब मैं आपसे करूँगी रैपिड फायर क्वेश्चंस। पाकिस्तान आप बताएं, क्या डिफाइन करना चाहेंगी पाकिस्तान के बारे में?
पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, इस पे हमें पाकिस्तान होने, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी होने पे हमें फख्र है, फख्र है डेफिनेटली। जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरे फैमिली है, ओके, मेरी मम्मा और मेरे भाई और मेरी फैमिली वगैरह। बहुत अच्छा। प्यार, प्यार भी मैं अपनी फैमिली से करती हूँ, अदरवाइज अच्छा। तो वैसे प्यार धोखा ही है, ऐसा ही है। एहसास, जिस चीज़ में आप मतलब एहसास के जो रिश्ते होते हैं ना वो थोड़े सच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं हाँ। और खून के रिश्ते भी है, लेकिन बास टाइम हमें कुछ रिश्तों में से ऐसे मतलब जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता हाँ। वो रिश्ता कोई मायने ही नहीं रखता कभी किसी के लिए, ऐसा ही है। जुनून किस चीज़ का है आपको? मुझे कुछ कर दिखाने का जुनून है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिखाने का आपको जुनून है? मैं अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। किसी और ऐसा ही जुनून होना चाहिए कि आप दुनिया को कुछ करके दिखाएं। जी बिल्कुल, ऐसा ही नाम होना चाहिए। मेहनत, अल्लाह का शुक्र है मेहनत से आज हम इस हद तक चले गए, यहां तक आए हैं डेफिनेटली। गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा बताएं। गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, दोस्त, दोस्त दोस्ती को अगर सच्चे जज्बे से निभाए ना हाँ। तो ज्यादा अच्छा है। सही। इश्क, मेरा इश्क मेरी फैमिली है। वाह, ये बहुत अच्छा है। खुशी, किस चीज़ से खुशी मिलती है आपको? मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुशी मिलती है, उनको खुश देखकर। खुश देख के हाँ जी, सही है। फख्र किस बात पर है आपको? कि मैं अपनी अम्मी के पास हूँ, इस बात का मुझे बहुत फख्र है। बहुत अच्छी बात है। माँ, माँ तो एक ऐसी हस्ती है ना जिसके बगैर, जिसके सामने आप 100 गलतियां भी करेंगे ना, लेकिन माँ उस गलती को तस्लीम नहीं करती, ऐसा ही, लेकिन उसमें भी आपका साथ देती है हाँ हमेशा। बाप, फादर को तो आज तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका शफकत भरा हाथ अगर बेटी के सर पे रहे ना तो कोई भी उसको गिरा नहीं सकता, ऐसा ही है, हमेशा ऐसे होता है। अधूरापन, लाइफ में सबसे बड़ा अधूरापन इस वक्त मेरे बेबी के ना होने का है हाँ। जो मुझे लाइफ टाइम तक रहेगा याद, ऐसा ही है। वो तो डेफिनेटली कोई कमी पूरा कर ही नहीं सकता जी। ख्वाब, आपकी लाइफ का क्या है ख्वाब? मेरा ख्वाब यही है कि मैं मतलब अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करूं कि अच्छा। सब मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ रहें हमेशा हाँ। खुशी के साथ हाँ। तो ना तो मैं अपनी फैमिली को मतलब डिग्रेड कर सकती हूँ हाँ। और ना ही अपने हस्बैंड को, ना ही अपनी मतलब इन लॉज वगैरह को हाँ, इन लॉज को। पैसा आपके लिए क्या है? पैसे के बारे में बताएं। जब तक इंसान है तो पैसा है, और इसके अलावा तो पैसे के बगैर तो लाइफ नहीं चलती, ऐसा ही आजकल। कामयाबी, कामयाबी की वजह से तो आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बात है। खूबसूरती, दुनिया में अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है और कोई खूबसूरत चीज़ नज़र नहीं आती, सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ तो मेरे घर में मेरी माँ, मेरी हस्ती है। ऐसा ही है, बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने। और नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ आप लोगों के फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं और हम लोग आप लोगों के साथ जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा शो। जी अभी ये बताएं, आपके वतन से कितनी मोहब्बत करती हैं, और हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना तब से ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हाँ। मतलब झंडियाँ ले आनी, खुद से अपनी पॉकेट मनी से लेकर आनी, अपने घर पर लगानी, और उसके बाद फेस पे पेंट कर लेना, फ्लैग बना लेना, और ग्रीन एंड वाइट ड्रेस पहनना हाँ। और मतलब मैं अपने साथ साथ ना घर में सबको ही ऐसे करती थी कि आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ, और सेल्फी लेना, स्टेटस लगाना। मतलब अभी तो फ़ोन तो खैर मैट्रिक में आए थे तो तब लिए थे, लेकिन जब उससे चाइल्डहुड लाइफ में चले जाएँ तो झंडियाँ ला के ना हम लोग मतलब गम नहीं मिलती थी, हम आटे से झंडियां लगाते थे घर में, मतलब हम कहते थे कि हमारा घर अच्छा लगे हाँ। मतलब के फील हो कि जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लाइटिंग करनी, मतलब तंग भी करते थे अम्मी बुको कि हमने अपना घर डेकोरेट करना है 14 अगस्त से रिलेटेड, बहुत हम लोग ने मतलब चाइल्डहुड में बहुत मजा, बहुत अच्छा, और ऐसे ही होना चाहिए हाँ, बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करते। आप ये बताएं कि आप वतन से कितनी मोहब्बत करती हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं।
हम अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस बात पे तो हम लोगों को जितना फख्र करें हम उतना ही कम है। आप जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? हम लोग घर में झंडियाँ लगाते हैं। अच्छा, ओके। और इसके अलावा हाँ, और डेफिनेटली फैमिली के साथ भी आप मनाती हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो कैसे फैमिली के साथ आप क्या कहते हैं, गेट टुगेदर करते हैं आप लोग? या वैसे तो आजकल कोरोना ऐसा कोरोना की वजह से हम लोग मतलब सेफली तरीके से सेलिब्रेशन करना मुनासिब समझेंगे, और वैसे भी मुहर्रम के दिन है, शोधाओं के दिन है, ऐसा ही तो इसलिए तो घर के अंदर ही जितना सेफ तरीके से हम लोग कर सकें सेलिब्रेशन तो वो ज्यादा बेस्ट है। डेफिनेटली। अच्छा, आप बताएं कि आप वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, डिफाइन करें हमारे व्यूअर्स को। मैम देखिए, जो फर्स्ट बात है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी इंतहा नहीं होती। सही बात है। अगर वतन की बात है तो वतन की बात इतनी मोहब्बत इंसान को करनी चाहिए कि कहीं भी नीड पड़े आपको तो आपको कतराना नहीं चाहिए। ऐसा ही है, सही बात है। एक अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? एक अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारे मुल्क में कमी है वो देखना चाहिए। हमारे मुल्क में पौधों की कमी है, फॉरेस्ट की कमी है। सही बात है। सो पहले आप उनको पूरा करें, सेकेंडली आप वो देखें कि अच्छा पाकिस्तानी आप तब बन सकते हैं कि आपके गरीब तबके आपके मोहल्ले में कितने हैं। जरूरी नहीं क्रिश्चियन है आप तो क्रिश्चियन ही मिले, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम ही मिले। मदद आपने करनी है मजहब देख के नहीं करनी, आप पहले वो देखें, अगर वो आप फुलफिल है तो सेकंडली आप अच्छा पाकिस्तानी बन सकते। सही बात है। आप जश्न आज़ादी को जोश व खरोश से मनाना पसंद करते हैं या किस तरह से मनाना पसंद करते हैं आप ये बताएं? मैम देखिए, जोश व खरोश और जज्बा जश्न आज़ादी का दिन तो हर बंदे में ही होता है। हाँ ऐसा ही है, आपकी रैली कैसे निकलती है? मुझे हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमारी रैली जो है वो PMLN की तरफ से निकलती है। अच्छा अच्छा, गुड, सही है। अच्छा आप बताएं कि आप जोश जज्बे से मनाना पसंद करती हैं, किस किस तरह से मनाना पसंद? बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत शौकीन हूँ हल्ले गुल्ले की, और इसके आज ये मुहर्रम में 14 अगस्त क्योंकि आई है, इसी वजह से घर से भी डांट पड़ी है कि नहीं हल्ला गुल्ला नहीं करना। सही मतलब बात है। हमारी गली में भी बहुत ज्यादा तो फिर वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। अम्मी भी डांट रही है कि नहीं आज हल्ला गुल्ला नहीं करना, तो अच्छा आप मुझे यहाँ बुला रहे घर पे तो बोर ही होना। ऐसा ही है, सही बात है। जश्न आज़ादी की खास बात क्या है आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, इसकी खास एक जो आपके माइंड में क्या डिफाइन करना चाहेंगे? ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम एक आज़ाद वतन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से उठते खाते पीते हैं। नहीं तो आज अगर कायदे आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद ना कराया होता तो हम भी आज अंग्रेज़ों की कैद में होते, उनके हुकूमत चल रही होती हम पे, हम उनके गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। ये बात है, बस मैं इसी बात से बहुत खुश होती हूँ कि यार शुक्र है हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। सही बात है। आप फैमिली के साथ जश्न आज़ादी कितना सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा, मोस्टली मैं ये कहती हूँ कि जो मज़ा हम लोग मतलब 5 बहने हैं ना, अच्छा, तो कभी फ्रेंड्स की कमी फील ही नहीं। सही बात है। और मतलब छोटा भाई है वो भी बहुत रौनक लगा देता है, भाई है कि हमारा वो सबसे छोटा है, तो मतलब बहन भाई के साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आप फैमिली में मतलब सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, मेरे से 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, उन दोनों की शादी हो चुकी है, मैं हूँ और 2 छोटी बहनें हैं। गुड। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जाके ना वो मतलब अंदर वाली निमरा अंदर ही रहती है। अच्छा, अंदर वाली निमरा डेफिनेटली वो फिर बहनों के सामने भाई होती है, फिर वो हल्ला गुल्ला करने में मजा आता है, एंजॉय करते हैं हम। वाओ, ऐसा ही, इसलिए मैं फैमिली के साथ ज्यादा पसंद करती हूँ। गुड। और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि यार फैमिली के साथ ही एंजॉय करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है जो हम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं और अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप बताएं कि आपकी कितनी कोशिश होती है कि फैमिली के साथ आप जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें, क्या क्या आपका? मेरी तो तमाम तर कोशिश ही अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की होती है। ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा मैं जितना भी ज्यादा टाइम स्पेंड करूं उतना ही काम है। तो इसी होना भी चाहिए। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। आप बताएं कि आप किस तरह से फैशन करना पसंद करते हैं? जश्न आज़ादी में आपने खास कोई ड्रेसेस आपने की हो कि आप डिजाइन करवाए स्पेशली, क्योंकि लोग लड़के भी आजकल बड़े फैशन को प्रेफर करते हैं, तो आप किस तरह से फैशन को प्रेफर करते हैं कि आप चेंज करें? नहीं, फैशन को तो प्रेफर नहीं करते, लेकिन नॉर्मली सलवार कमीज पहन लेते हैं। ऐसा ही है, सही बात है। तो आपके नज़दीक काम का मतलब क्या है? काम किस तरह से डिफाइन करें कि आप क्या कहते हैं कि काम किस तरह से आगे पहुंचा सकते हैं, बूस्ट कैसे कर सकते हैं अगर किसी काम पे आप फोकस करना चाहें तो? देखें, काम काम ही होता है, अगर आप किसी काम पे फोकस करें सही बात तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काम पे फोकस करने के 20 अबव होनी चाहिए। ऐसा ही है। अंडर 20, आपकी भी एज क्या है? मेरी अभी 18 है। ओ अच्छा, मैं आपको मुझे पता नहीं था, मैं समझी आपको 20 इयर्स आपकी एज है। अच्छा, आपके नज़दीक सेल फोन के बगैर लाइफ क्या, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं? सेल फोन के बगैर लाइफ सुकून की है। अच्छा, मतलब आप इतने ज़्यादा बिजी हैं
कि आप सेल फोन में आपको जो है आपके व्यूअर्स आपको मैसेजेस भी करते होंगे डेफिनेटली, और भी बहुत अपने जो बहुत तंग करते हैं और बंदा बहुत तंग भी आता है, ऐसा ही है। आप बताएं आपके नज़दीक सेल फोन की क्या अहमियत है और उसके बगैर लाइफ क्या है? अच्छा ऐसा हुआ था ना कि पिछले साल मतलब 14 अगस्त वाले दिन ही ना सर्विस चली गई थी। अच्छा तो बस फोन रखते थे ऐसे, उस दिन मैंने फील किया कि सेलफोन के बगैर लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, क्योंकि जब सेलफोन होता है हमारे पास, आजकल तो सेलफोन की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि हमारे साथ बैठा बंदा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया जो इतनी दूर बैठा है जिससे हम बात कर रहे हैं। ये बात है, तो ये सेलफोन नहीं होना चाहिए। बहुत, और जब से ये बना है असल में छोटे जो सेल होता था ना उसमें ये होता था कि आप इजीली लाइफ गुजार लेते हैं, जैसे जैसे आप कहीं सुन लें बड़ा सेल हो गया, मुख्तलिफ एप्स आ गए, गेम्स आ गई, बंदा बिजी हो गया, फिर वो बहुत बिजी रूटीन, इवन आप अपनी फैमिली को भी कम टाइम देते हैं, मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन सर्विस चलेगी उस दिन मैं पूरा दिन फैमिली के साथ स्पेंड किया, मुझे पता लगा पूरे दिन में घर में क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, फिर आपको पता चलता है कि फैमिली क्या है, बिल्कुल फैमिली की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। सही बात है। आप बताएं आपके नजदीक सेल फोन के बगैर लाइफ क्या है? सेल फोन का ना होना ही बेहतर है, क्योंकि मतलब सब आप लोग जो है सेल फोन के साथ तंग आ चुके हैं। नहीं, सेल फोन से ये है कि एक दूसरे की खैर खबर तो ले सकते हैं, लेकिन बस किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। सही बात है, ऐसा ही है, बस यही चीज है इसके। और ऐसा ही है, सही बात है। अगर आपसे तीन ख्वाहिश बयान करने को कहा जाए तो वो कौन कौन सी होंगी, आप ये बताएं क्या विशेज होंगी तीन, ऐसी क्या विश आ रही है माइंड में, फर्स्ट विश, सेकेंड एंड थर्ड? पहले तो यही विश होगी कि मेरी सारी लाइफ जो है मेरी फैमिली के साथ गुजरे, और दूसरी विश ये होगी अल्लाह ताला अगर चाहे तो मेरी बेबी को वापस भेज दे, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग मतलब बहुत ही ज्यादा अधूरापन होता है डेफिनेटली, वो हाँ उसकी कमी बहुत ज्यादा फील होती है हम लोगों को। और थर्ड आपके लिए लाइफ में आई थिंक यही होगा, पैशन होगा कि अपने काम को ज्यादा काम को अहमियत दूं, इसके अलावा अपने घर को देखूं, अपने घर वालों को खुश रख सकूं, और कुछ नहीं। आप बताएं आपके नजदीक तीन जो आपकी विशेज हैं वो आप क्या करती हैं, क्या सोचती हैं कि वो कौन सी होंगी तीन ख्वाहिशें आपकी लाइफ की? अगर विश पूरी होती ना तो मैं अपनी सारी विशेज पूरी करवाती। अच्छा मतलब आपकी ये नहीं है 1 and 2 and 3, ये अनलिमिटेड? वाओ, इतनी ज्यादा विशेज हैं आपकी। हाँ, फर्स्ट तो ये कि मैं इस दुनिया की एक फेमस मतलब वुमन बनना चाहती हूँ। अगर अच्छा वाओ, वर्ल्ड वाइड? हाँ वर्ल्ड वाइड, और मुझे मतलब मोस्टली सब यही फैमिली में कहते हैं कि यार किसी अमीर शख्स से शादी कर लो, अच्छा आपकी मतलब शोहरत हो जाएगी या फिर किसी ऐसे से, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं खुद एक अमीर शख्स बनना चाहती हूँ, किसी अमीर शख्स से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर जो हमारी वैल्यू होगी ना वो उस तरह नहीं होगी जब हम किसी से शादी करके जाएंगे। सही बात है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो और दूसरी विश यही है कि अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा मेरे पास रखे, क्योंकि फैमिली के बगैर तो लाइफ होती है कुछ भी। और तीसरी मेरा भाई, क्योंकि हम लोग 5 महीने हमारा एक ही भाई है, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। खैर अभी तो वो 7 साल का छोटा बच्चा है, बस ये कहती हूँ उसका फ्यूचर अच्छा हो, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, एक अल्लाह पाक उसको शोहरत दे, और बस बहुत अच्छा। ज्यादा मेरी यही विश है। तीन आपने पूछी, तीन ही अभी और बताऊंगी ना, यहाँ पे शो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्होंने डिफाइन की है। आप ये बताएं अगर आपके हाथ पर टाइम मशीन लग जाए तो आप उससे क्या करना चाहेंगे, टाइम मशीन का बताएं। टाइम मशीन अगर हाथ पे लग जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, ऐसा कोई आपके माइंड में कोई विश हो क्या करना चाहेंगे उसे? मेरा यही है कि जो होगा हेल्पफुल होगा उसे दे दूंगा, क्योंकि मेरी तो इतनी नहीं है, मेरी विश पूरी करने के लिए मेरे घर वाले हैं, लेकिन वो तंग आ चुके हैं, बड़ा कोई निकाल देते। अच्छा नहीं, ऐसा कोई विश नहीं है आपकी माइंड में? मेरी कोई विश नहीं। अच्छा अच्छा, गुड। किस तरह का म्यूजिक सुनना आप पसंद करते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। म्यूजिक? हाँ। मैं म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ फास्ट। ओके, अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा आप ऐसी कोई अजीबोगरीब आपकी विश हो जो आपके लाइफ में कभी पूरी ना हुई हो, कोई ऐसी ख्वाहिश है? नहीं, पहले थी लेकिन अब। अच्छा सही है, अब होगी, वो हो गई है माशाल्लाह आपकी। अच्छा गुड। अच्छा ऐसा कौन सा टीवी शो है जिसमें एज अ गेस्ट आप आना चाहते हैं? कोई भी नहीं, तकरीबन सब में मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। माशाल्लाह, फेक रहता जियो रहता, लेकिन जियो पे ऑफर हुई थी, मैं खुद नहीं गया। अच्छा अच्छा, वो आपने रिफ्यूज कर लिया? रिफ्यूज मैंने खुद किया। गुड। अच्छा आप बताएं ऐसा कौन सा टीवी शो है जिसमें आप ऐसा गेस्ट आना चाहते हैं? मुझे वैसे पर्सनली तो निदा का शो बहुत अच्छा लगता है। सही है। हाँ। तो मेरा उसके शो पे जाने का मतलब बहुत ख्वाहिश है, लेकिन हाँ। मुझे यहाँ पे भी आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इनवाइट किया। मैं देखती रहती हूँ आपके शोज वगैरह और बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, और मैं सीरियसली बहुत अच्छा फील करी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और जरूरी था डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के साथ ना जश्न आजादी सेलिब्रेट करना था, और यकीन है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारा जश्न आजादी सेलिब्रेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। जी आप ये बताएं कि आपने का जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक्य कौन सा था?
ऐसा कोई वाक्य आया आपके लाइफ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, सेट पर फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं, जब कोई शूटिंग ना हो, शूट ना हो? घर में कुकिंग करना। अच्छा, कुकिंग आपको बहुत पसंद है, प्रेफर करती हैं कुकिंग करना? जी। बहुत अच्छा है। लाइफ का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपको, तारीफ आपकी कौन सी हुई कभी जिंदगी में? मैं अपनी फैमिली में और अपनी अम्मी की सबसे अच्छी बेटी हूँ। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा लाइफ का कॉम्प्लीमेंट यही होता है। आप बताएं आपकी लाइफ में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला? कि मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ, इसीलिए मैं फैमिली में किसी के घर नहीं जाती, चली जाओ तो मुझे किचन में। लेकिन लगता नहीं है आप पराठे खाती हैं, आप तो माशाल्लाह इतनी स्मार्ट है, क्या आपकी स्मार्टनेस का राज क्या हमारे व्यूअर्स को? खानदानी स्मार्ट है। वाओ माशाल्लाह, बहुत है। मेरी भी ऐसे ही, अम्मी भी, बड़ी सिस्टर्स हैं, उनके दो दो बच्चे भी हैं, फिर भी वो अनमैरिड ही लगती हैं। ऐसे ही होना चाहिए, स्मार्टनेस ही तो डेफिनेटली। मेरी फैमिली में बस सबको मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है, और खीर एक पराठे के तो बस बहुत फैंस है। वो जो मुझे देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे यहाँ पे इसने हमारी शिकायत लगा दी है। ऐसा ही है, सही बात है। अच्छा आप बताएं, एज अ टिकटॉकर आप बताएं कि टिकटॉक पे क्या ऐसा क्या कोई कंटेंट होता है जिसे आप लोग फेमस करते हैं? कैसा कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, देन उसके बाद आप लोग शो पे करते हैं? नहीं देखिए, वर्गलर जो अपराधी ना, वो अपना बैक शो करते हैं, मैं कैसा हूँ। हाँ। तो अभी कुछ लोग देखेंगे वो तंग आएंगे कि उसने ये क्यों कह, लेकिन हमें तो मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा आप ये बताएं, पार्टीज में जाना पसंद करते हैं आप? कौन सी पार्टीज पे, मतलब पार्टीज में और ज्यादा शोज पे, कॉन्सर्ट्स पे जाना पसंद करते हैं या आप बिल्कुल घरेलू हैं, घर में रहना पसंद करते हैं? नहीं, कॉन्सर्ट्स पे मैं जाता हूं, काफी जाता हूं, अभी रिसेंटली भी गया हुआ था। अच्छा माशाल्लाह, और अच्छी बात है, गैदरिंग भी रखनी चाहिए, अच्छा फैमिली के साथ भी होना चाहिए। अब तक लाइफ में सबसे अच्छा आपने कौन सा शो कर चुके हैं? सबसे अच्छा, हाँ आप ये बताएं, अब लोग जाने से पहले आप लोग क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सबसे पहले आप बताएं आप मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे, मैसेज बताएं ना। यही कि कोरोना की वजह से हमें अपने घर में सेफ्टी तरीके से 14 अगस्त सेलिब्रेशन करनी चाहिए। अच्छा। और हाँ। जितना हो सके मास्क का इस्तेमाल करें। सही बात है। और बगैर मास्क के तो बाहर निकलना ही मतलब बीमारियों को दावत देना है। और आपने हमारे देसी टीवी यूएसए की तरफ से और आपने जश्न आज़ादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और आप हमारे व्यूअर्स को भी जश्न आज़ादी मुबारक बोलें। देसी टीवी यूएसए की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहेंगी हमारे जश्न आज़ादी के मौके पर? वैसे तो मैं आजकल की यूथ के लिए मैसेज जो है कन्वे करना चाहूँगी वो यही कि अपने मोबाइल को कम टाइम दिया करें और पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम दिया करें, क्योंकि जिनके पास है ना उनको कदर करनी चाहिए, जिनके पास नहीं है ना उनसे जाके आप इनकी अहमियत पूछें। तो मैं यही कहूंगी कि अपने पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, और आजकल के जो मतलब यूथ है पेरेंट्स को कुछ नहीं समझती, मुंह पे बोल जाना, उनसे बदतमीजी करना, तो जब वो नहीं होंगे ना तो आपको ये चीजें बहुत याद आएंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगी, अभी हैं तो उनकी कदर कर लें, जब अच्छा। नहीं होंगे तो बहुत मिस करेंगे। गॉड, बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया। और आप क्या मैसेज करने करने हैं? और हाँ, देसी टीवी की, देसी टीवी और हमारे राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो की तरफ से तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। वाह, बहुत अच्छा इन्होंने डिफाइन किया और बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया। आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, जो लोग काफी मतलब के मैसेजेस करते हैं बड़े टिकटॉकर्स को, ये नहीं मुझे, वो सबको आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं डिसहार्ट होकर छोड़ देते हैं, मतलब कि हमारा नहीं फेमस नहीं हो रहा, तो उनसे ये है कि डिसहार्ट ना हुआ करें, आप वो बंदा देख ले करें जो प्रमोट करता हूँ, मैं खुद प्रमोट करता हूँ, मैं कितना कर चुका हूँ। सही बात है। आप मुझसे गा लें, मुझसे नहीं किसी अच्छे से गा लें जो आपको प्रमोट करे, क्योंकि फेमस होने के बाद इंसान उनको ना भूल जाए जिन्होंने गिनवाया आपको। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट गेस्ट एंड स्टार्स के साथ फिर हम हाजिर होंगे। और जी नाज़रीन, हमने काफ़ी लाखों कुर्बानियों के बाद 14 अगस्त आज़ादी का दिन, ये दिन हमने बड़ी लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया, और आप लोगों को भी इसी तरह एक अच्छी मुहिब वतन बना के अपने पाकिस्तानियों को होने का सबूत पेश करना चाहिए, ताकि पता चले कि आप लोग एक पाकिस्तान एक अजीम लीडर के मुल्क में आप लोग रहते हैं। जी, और इंशाल्लाह आप लोग अपने फीडबैक और कमेंट्स हमें करना मत भूलिएगा, और हमें आपके फीडबैक और कमेंट्स का इंतजार और काफ़ी वेट होते हैं, हम लोग करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप लोग के फीडबैक्स की वजह से हम लोग आगे अपने प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू करें और आप लोग के फेवरेट गेस्ट को ही आगे बुलाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट गेस्ट के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे साथ रहिएगा। जश्न आज़ादी मुबारक।